न्यूज 11 और आपके साथ मैं आरती से एक बार फिर हाजिर हूँ आपका फेवरेट पॉलिटिकल शो लेकर, जिसका नाम है बोल जनता बोल। और एक बार फिर हम खड़े हैं धुरवा में और यहाँ के पब्लिक का मूड जानने पहुंचे हैं कि आखिर क्या चाहती है यहाँ की जनता, और जो लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं तो क्या यहाँ की पब्लिक चेंज चाहती है, या फिर जो सांसद अभी है फिलहाल उनको दोबारा वो वापिस सत्ता पर देखना चाहती है। बातें होंगी बहुत सारी, साथ ही ये भी जानेंगे कि क्या सांसद ने जो इस इलाके का विकास के लिए काम किया उससे वो खुश हैं, या फिर चाहते हैं कि कुछ नया हो और विकास जो हो रहा है उसको गति मिले या फिर कुछ बदलाव हो। होंगी बहुत सारी बातें, जानेंगे सब कुछ, लेकिन सीधे चलते हैं पहले पब्लिक के पास और जानते हैं कि क्या कह रही है धुरवा की पब्लिक। सर आप बताइए, इस इलाके के लिए बहुत बहुत दिन से आप यहाँ पे रह रहे होंगे, तो क्या कुछ सबसे पहले बताइए हमारे जानकों कि आप क्या कुछ चाहते हैं इस इलाके के लिए। इस इलाके लिए हम विकास चाहते हैं, जो कि धुरवा में विकास हुआ ही नहीं। हम चाहते हैं कि जहाँ यहाँ के जो LTL पर जो क्वार्टर लेकर के रह रहे हैं उनको HEC मैनेजमेंट कभी कभी बहुत तंग करती है, कहते हैं कि इंक्रोचमेंट कर रहे हो, जबकि हम अपने जो लीज पर लिए गए हैं क्वार्टर उनके इर्द गिर्द में जो जमीन है जितना हमको चाहिए उसी में अगर उसमें अगर हम निर्माण करते हैं तो आके हमको रोका जाता है, तंग किया जाता है, एक्शन में चिट्ठी भी थमा दिया जाता है कि आप गलत कर रहे हैं। तो एक चीज जो मैं यहाँ पर रिमाइंड करना चाहूंगी वो ये कि लास्ट टाइम जब हमने धुरवा के पब्लिक का मूड जाना था उस वक्त भी ये मुद्दा काफी जोर शोर से उठा था कि HEC के जो कर्मचारी हैं उनकी सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर जो उनके रहने को लेकर है, किस तरह से उन्हें शिफ्ट किया जाना है और किस तरह से HEC की तरफ से उन्हें बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ रही है, और HEC कर्मी जो है कुछ हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उन्हीं से हम बात कर रहे हैं इन सारे परेशानियों पर, इन सारे मुद्दे पर। साथ ही साथ कुछ रिटायर्ड HEC कर्मी भी हमारे साथ हैं, पहले इनकी बात पूरी करते हैं फिर और लोगों से जानेंगे कि क्या कुछ कह रहे हैं इनके बारे में। हाँ सर कंप्लीट करिए। हम लोगों को चाहिए कि सीवरेज का बहुत प्रॉब्लम है, साफ सफाई रहती नहीं नगर में, तो हमारे HEC कॉलोनी में साफ सफाई की बहुत दिक्कत है। कभी कभी सप्ताह में एक आध दिन वो सफाई वाले आते हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि रेगुलर काम हो। ठीक है, रेगुलर काम चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं इस एरिया के साफ सुथरा होना चाहिए, जब से ये सरकार आई है कोई काम नहीं, कहीं सफाई नहीं हो रहा, कहीं गली गली गंदा है, कहीं कुछ गंदा है, नाली तो और गमक रहा है, कीड़ा हो गया है तो उसे बीमारी होने का डर रहता है, तो कुछ होने वाला नहीं है। HEC के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? HEC यहाँ की पहचान है, इनफैक्ट झारखंड की पहचान है HEC, लेकिन आप जो कुछ कुछ परेशानियां सामने आई हैं जमीन अधिग्रहण को लेकर, फैक्ट्री में कुछ अनियमितता को लेकर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले ऑल ओवर इंडिया में जहाँ पे प्लांटेशन है, जैसे स्मार्ट सिटी वगैरह बन रही है, ऑल ओवर इंडिया में 10 किलोमीटर के रेडियस में कोई प्लांट नहीं है, और यहाँ HEC के बगल में ही प्लांट बन रहा है, यहाँ जो मतलब बन रहा है यहाँ पे, ये होना नहीं चाहिए, बिल्कुल सरासर गलत है। ये पूंजीपति लोगों को यहाँ बसाया जा रहा है और आम जनता को चाहता है कि यहाँ से चले जाए। दूसरा मुद्दा भी बीच में हम लोग न्यूज में देख रहे थे, स्टैंड का मुद्दा है, जो कि हमारा भी घर में माँ बहन है, आती है जाती है, गांव जाती है आती है, बूढ़ी माँ हो गई 80 साल का, गाड़ी से आना जाना होता है, तो हम लोग सुनिश्चित हो जाते हैं कि निश्चिंत है कि वहाँ अगर बैठा देंगे तो हम लोग घर यहाँ उतार दिया जाएगा। कांटा टोली में 1 बजे 1:30 बजे रात को उतार देगा, बस नहीं मिलेगा, परेशानी बढ़ेगा। यानी कि नजदीक में है बस स्टैंड का फायदा है, बहुत फायदा है, ये होना चाहिए और यहाँ विस्तृत पूर्वक रूप से यहाँ पे परिचालन होना चाहिए। जिस तरह से पिछले बार हमने ये देखा था कि बस स्टैंड का मुद्दा भी उठा था, कुछ लोगों का कहना था कि बस स्टैंड जो है वो शिफ्ट किया जाना चाहिए, लेकिन अभी जो यहाँ पर कुछ लोगों का कहना है कि वो इस बात से फिक्रमंद नहीं होते कि उन्हें अपने घर के लोगों को, परिजनों को दूर भेजना पड़ता है बस स्टॉपेज के लिए, बस लेने के लिए या फिर उन्हें ड्रॉप या पिकअप के लिए, क्योंकि बस स्टैंड नजदीक है। बस स्टैंड के बारे में कुछ और भी बात करते हैं यहाँ के लोगों से। सर कुछ कहना चाहेंगे बस स्टैंड को लेकर? देखिए, अभी आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों ने पिछले 2-3 दिन पहले सुना और देखा कि इंटेंशनली यहाँ से बस स्टैंड हटाने की बात की जा रही है। कोई भी जनप्रतिनिधि, हम भी यहाँ 10 साल पार्षद के रूप में भी काम किए हैं हम और हमारी पत्नी, कोई भी जनप्रतिनिधि ये नहीं चाहेगा कि हमारे क्षेत्र में बस स्टैंड नहीं हो, स्कूल नहीं हो, अस्पताल नहीं हो। सारे जनप्रतिनिधि चाहते हैं कि जितने भी जनता की सुविधा है उनको उपलब्ध कराया जाए। हम पहली बार सुन रहे हैं किसी जनप्रतिनिधि के द्वारा कि बस स्टैंड हटाना मेरा पहला प्राथमिकता होगा, तो हम उसका
खुलेआम विरोध भी करते हैं, और अगर बस स्टैंड हटेगा तो हम जानते हैं कि यहाँ की जनता उनको जवाब जरूर देगी, क्योंकि यहाँ पिछले 50 वर्षों से वहाँ पर बस स्टैंड है। HEC जब से बसा है, HEC मैनेजमेंट के द्वारा वो बस स्टैंड इसीलिए बनाए गए थे कि यहाँ जो 22,000 वर्कर यहाँ काम कर रहे थे उनके परिवार का आवागमन यहाँ के बस के द्वारा किया जा सके। दूसरी बात है कि जो भी बातें हमने सुना है, विकास हुआ है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि विकास नहीं हुआ है। विकास हम लोग भी 10 साल वार्ड काउंसिलर के हैसियत से काम किए हैं, विकास जरूर हुआ है, लेकिन सरकार के द्वारा कुछ कुछ जगहों पर इतनी बड़ी गलती हुई है जिससे कि बहुत सारे लोग बहुत काफ़ी परेशानी में हैं। हम लोग 3 प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं। सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि एज ए बस ऑनर एसोसिएशन प्रेसिडेंट होने के नाते आपको एक बात बहुत बड़ी बात बताना चाहेंगे कि 2016 में भारत सरकार के द्वारा एक बस कोड का लेना अति आवश्यक होगा, ऐसा भारत सरकार ने कहा, और 2016 से 2018 तक हमारा राज्य सरकार सोया रहा और यहाँ पर बस कोड लागू नहीं किया गया। इस बीच में बहुत सारे बस मालिकों ने यहाँ बस निर्माण करवा लिया जिसका रजिस्ट्रेशन झारखंड सरकार के द्वारा नहीं किया गया, सारे बस मालिक दूसरे राज्य में जाकर रजिस्ट्रेशन कराए। इसमें आप समझ लीजिए कि ट्रक बस हमें लगता है कि 5 लाख लोगों को इससे परेशानी बढ़ी, मतलब कि परिचालन स्टेट में होता है लेकिन रजिस्ट्रेशन कहीं और से होता है, जिससे यहाँ राजस्व की जो वसूली है वो कम हो रही है। बिल्कुल राजस्व का तो हानि हो ही रहा है, लेकिन उसके अलावा ये है कि यहाँ के बस परिचालक बहुत परेशानी में हैं। इस पे यहाँ के परिवहन मंत्री के द्वारा कैबिनेट में ले जाया गया, लेकिन उस पे कोई सरकार सुध नहीं ले पाई, यानी मोटर ट्रांसपोर्ट को लेकर के भी इस कुछ परेशानियां हैं। बहुत ज्यादा परेशानी है, अभी आप देख रहे होंगे यहाँ हमारे बीच 20,000 ऑटो जो चला रहे हैं, ऑटो परिचालक जो है काफी परेशानी में है। 1 टाइम टैक्स कर दिया गया है, आप समझ सकते हैं कि 50,000 का पूंजी लगाकर कोई भी ऑटो खरीद लेता था और बैंक से लोन लेकर उसका परिचालन कर लेता था। अभी अगर आप 5 लाख का ऑटो ले रहे हैं तो उसके लिए आपको पहले से 1 लाख रुपया टैक्स देने का व्यवस्था करना होगा, तो 50,000 का जो रोजगार शुरू कर लेता था उसको 1 लाख और होगा तब रोजगार शुरू करेगा। तो यहाँ कहीं ना कहीं ऑटो वाले लोग भी काफी परेशान है, ऑटो वाले भी मोटर ट्रांसपोर्ट को लेकर भी परेशानी है। लोगों का कहना है कि जो मोटर ट्रांसपोर्ट को लेकर परेशानियां हैं कि अगर छोटी पूंजी से कोई अपनी रोजी रोजगार की शुरुआत कर रहा है तो एक मुश्त इतनी बड़ी रकम एज अ टैक्स वो कैसे पे करेगा। सर आप भी कुछ कह रहे थे। मैं कहना चाहूंगा कि विकास के साथ विनाश नहीं होना चाहिए। अमीरों को बसाने का काम किया जाए और गरीबों को जाने का काम किया जाए। पार्षद महोदय जो बोले कि वहां पार्क बनेगा स्टैंड हटा करके, तो स्टैंड हटेगा क्यों? जहां पे स्टैंड ले जाना चाहते हैं वहीं पे पार्क क्यों नहीं बन जाएगा? उन्होंने नाम लिया था कि एक ब्रह्मचारी आश्रम है, स्टैंड वहां ले जाया जाए, तो पार्क ही वहां बना दिया जाए। पार्क भी बनना चाहिए, विकास होना चाहिए, लेकिन विकास के साथ विनाश नहीं होना चाहिए। स्लम बस्तियों वाले को हमारा HEC मैनेजमेंट बोलता है कि स्लम बस्ती उजाड़ देंगे। अरे क्यों उजाड़ दोगे? जिस दिन तुम्हारे पास 10,500 क्वार्टर था और 22,000 तुम्हारे पास वर्कर था, उस दिन तुम क्यों उजाड़ रहे थे? तुम तो उस दिन बसाया, आपने खुद ब खुद बसाया, और आज तुम कहते हो उजाड़ देंगे। विकास हो, हमारे प्रधानमंत्री जी भी सराहनीय काम कर रहे हैं, शौचालय बनाए, बहुत अच्छा उनका सराहनीय काम रहा, लेकिन अब विकास के साथ स्लम बस्ती को उजाड़ करके वहां बनाएंगे, वहां ले जाएंगे, वहां क्यों ले जाएंगे? आप वही पूर्व क्यों बसाने काम कर रहे हैं? यानी विस्थापन और पुनर्वास का जो ये खेल है वो खेल है, समाज की तरह चल रहा है, दोनों समाज की तरह चल रहा है, है ना? इसलिए इस पर हम लोग कटाक्ष करेंगे कि यहां भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ध्यान दें। आते हैं फिर भी नहीं आते हैं, फिर भी इस पर जो भी प्रधानमंत्री और सांसद की बात जहां तक रही, सांसद महोदय को तो मतलब हम लोग दर्शन भी नहीं देते हैं, कैसे दर्शन हम लोग को दे। सांसद को अभी तक मिलना मुश्किल है। सांसद महोदय के विषय में चाहेंगे कि हमारा यहाँ का सांसद सुबोध कांत सहाय होना चाहिए, इसलिए कि सत्यनारायण भवन कथा भी हम लोग कहवाते हैं तो सुबोध कांत सहाय वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये है यहाँ पर कि यहाँ भी यहाँ पर पब्लिक ये चाहती है कि सांसद बदलना चाहिए। आप क्या कहेंगे सर, सांसद बदलना चाहिए और क्या कुछ होना चाहिए? देख रहे हैं हम लोग, आज तक रामपाल चौधरी से कभी कोई मुलाकात नहीं होती है, कोई भी समस्या होती है कभी आते नहीं है, कभी उसे मिलना नहीं हो पाता है। तो ये हम लोग का भी चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि हमारे स्थानीय जो यहाँ के सांसद सुबोध कांत चुनाव लड़ रहे हैं उनको हम लोग का समर्थन। सुबोध कांत अगर आते हैं तो क्या बदल देंगे? नहीं, बदलने को हम लोग उम्मीद तुमसे है ही है। क्या बताइए? इसके पहले भी उन्होंने किसी की आवाज हमेशा उठाई है,
से की हमेशा लड़ा है और हम लोग जो भी काम होता है हम उनके पास जाते हैं उसका निराकरण उनके माध्यम से होता है। ठीक है कुछ काम नहीं हो पाते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं कि हर काम हो ही जाएगा, पर जो काम हम लोग है उनसे संतुष्ट हो जाए संतुष्ट हो जाए मतलब उम्मीद है सुबोध कांत सहाय से कि अगर बदली अगर चेहरा बदलता है अगर सुबोध कांत आते हैं तो शायद उम्मीदें पूरी होंगी। आप भी कुछ कह रहे थे बताइए, सुबोध कांत की बात हो रही है कि अगर रामदयाल चौधरी जी हटते हैं सुबोध कांत आते हैं तो काफी उम्मीदें पूरी होंगी। एचईसी के लिए तो सुबोध कांत सहाय अच्छे आदमी है लेकिन एचईसी के बाहर के लिए कितने अच्छे हैं तो वहां के लोग बताएंगे, और हम लोग चूंकि एचईसी में रहते हैं इसलिए हम लोग चाहेंगे कि सुबोध कांत सहाय आए। सुबोध कांत सहाय को भी चाहे लोग चाहते हैं, कोई जरूरी नहीं कि हम भी चाहें। वैसा सांसद है जो मोदी जी को लोकसभा में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में जिम्मेवार घोषित हो और बीजेपी के सांसद आए, बीजेपी आएगी तो राज्य का विकास तेज गति से होगा। चौधरी ही आई कोई जरूरी नहीं है, कोई आए बीजेपी लेकिन बीजेपी का आए। हम लोग खुले तौर पे उनका समर्थन करते हैं। सांसद बदले सरकार ना बदले, सरकार नहीं बदले, सांसद बदले सरकार ना बदले। तो ये यहाँ की पब्लिक चाहती है कि सांसद बदले, लोगों को उम्मीद है कि चेहरा बदलना चाहिए क्योंकि एचईसी के लिए यहाँ के लोगों का मानना है कि एचईसी के लिए सुबोध कांत सहाय बहुत कुछ कर सकते हैं कि उम्मीद एक आशा है और इस उम्मीद के लिए वो चाहते हैं कि इस बार चेहरा बदलना चाहिए। हालांकि वो इस बात पे बहुत जोर दे रहे हैं कि सरकार नहीं बदलनी चाहिए भले ही सांसद बदल जाए। कुछ और लोग भी हैं उनसे बात करते हैं, आप बताइए सर क्या चाहते हैं आप। मेरा नाम सूरजदेव तिवारी है, हम एचईसी में काम करते, रिटायरमेंट हो गया। एचईसी को चार बार प्रधानमंत्री आए नरेंद्र मोदी जी, चार बार यहाँ आए मगर एचईसी के नाम नहीं लिए। उस वो प्रधानमंत्री नेहरू विरोधी है, उद्योग विरोधी है, पंडित नेहरू के आत्मा है और इस हिंदुस्तान के सबसे बड़ा ये हेवी इंजीनियरिंग का ऑपरेशन है, ये मदर प्लांट है। यहाँ कितने कारखाना लगाया, कितने परमाणु बम बनाया, कितना टैंक बनाया एचईसी, वही नहीं आपको हम बता रहे हैं पंडित नेहरू 14,988 कारखाना बना है जिसमें सबसे बड़ा कारखाना इसरो है, सबसे बड़ा भाभा है, भिलाई है, रावल किला है, दुर्गापुर है, जगतपट्टनम है, एचईसी है, बोकारो हुआ, चंदपुरा हुआ, बरौनी हुआ, पता कितना नाम जो है मैडम। तो क्या अभी 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 एक कारखाना बंद करने के लिए आदेश से लड़का ठीक बोला है जो यहाँ पर स्मार्ट सिटी बन रहा है, स्मार्ट सिटी बनेगा तो क्या कारखाना चलेगा, कहाँ से धुआं निकलेगा। मतलब ये चाहते हैं कि स्मार्ट सिटी बना तो एक मिनट स्मार्ट सिटी बनेगा तो आपको दिक्कत होगी, पूरा कारखाना का दिक्कत होगा, ड्यूटी करने वालों को दिक्कत होगा। जितने लड़के खोरा है वो एचईसी के बच्चक है, इनको एचईसी के हरेक पैसा हरेक बूंद निकाल में पड़ा हुआ है, ब्लॉक पड़ा हुआ है और एचईसी को एचईसी नहीं सब कारखाना बढ़ के नरेंद्र मोदी रहेगा, ये फेकू प्रधानमंत्री रहेगा, देश बर्बाद कर देगा। ठीक है सुनिए मैडम, सुबोध कांत सहाय लड़ता है, जब जब आंदोलन होता है तो लाठी खाया है और दिल्ली तक हम लोग गए हैं, पटना में गए हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर देखिए जब किशमोहन सिंह थे तो कितना काम हो रहा था। एक मिनट तो यहाँ की पब्लिक ये भी चाहती है कि जिस तरह से स्मार्ट सिटी बनाने की कवायद चल रही तो स्मार्ट सिटी तो बने लेकिन इसके एवज में एचईसी जो है उसका काम नहीं रुकना चाहिए। और कुछ लोग यहाँ पे कुछ लोग राघा के भी समर्थन में, कुछ लोग मोदी के भी समर्थन में, बातें होंगी और भी बहुत सारी, देखते रहिए बोल जनता बोल। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जनता बोल। और आज हम खड़े हैं धुरवा इलाके में एक बार फिर से, और यहाँ की पब्लिक जैसा कि मूड दिख रहा है, कुछ लोग रागा का नारा लगा रहे हैं और कुछ लोग मोदी का नारा लगा रहे हैं। और क्या कुछ चाहती है यहाँ की पब्लिक, क्योंकि वोटिंग में अब कुछ दिन और बचे हैं, जब वोट डालने जाएगी तो ये पब्लिक क्या सोच रही है, कुछ और लोगों से जानते हैं। चलिए आप कुछ कह रहे थे एचईसी को लेकर, यहाँ की व्यवस्था को लेकर बताइए। यहाँ का जो व्यवस्था है, अगर देश बचेगा तो व्यवस्था बचेगा, और देश बचाने के लिए इस समय सभी युवाओं को और सभी बुजुर्गों को चाहिए कि एकमत होकर मोदी जी को लाएं। देश बचेगा तो रोजगार बचेगा, अगर देश ही नहीं बचेगा रोजगार कैसे बचेगा। तो मोदी देश बचाएंगे, बिल्कुल देश बचाएंगे, अभी उन्होंने साबित किया है कि अंतरिक्ष में भी वो देश बचाने की क्या बात कर रहे हैं, सीमा पर भी देश बचाने की बात कर रहे हैं, और घुस के मारने की जो शक्ति है वो मोदी ने साबित किया उसके अंदर, सर्जिकल स्ट्राइक जो किया बिल्कुल।
तो अगर देश बचेगा तो उद्योग धंधा बचेगा, कल कारखाना बचेगा। और फिर वो ऐसे आदमी हैं कि जो हर एक युवा के लिए सोचते हैं, सभी के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन लोग तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सरकार भले मोदी की हो लेकिन सांसद जो बनेंगे, यहाँ का सांसद का चेहरा बदलना चाहिए। तो मैडम देखिए, सांसद की जहाँ तक बात है, अगर मोदी ऐसे करके सांसद कटते जाएंगे तो फिर मोदी कहाँ से आएंगे? वही तो बात है, जब सांसद नहीं रहेंगे तो फिर मोदी सरकार कैसे रहेगी? वो सांसद की कोई बात ही नहीं है, यहाँ तो सीधा सीधी बात है मोदी की। मोदी सांसद यहाँ जिता के हम लोग भेजेंगे जो मोदी को सपोर्ट करेंगे, तो बिल्कुल हम लोग सभी लोग मोदी के समर्थन में खड़ा है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है कि लोग बोलते हैं कि सरकार मोदी की होनी चाहिए लेकिन सांसद वो बदलना चाहिए। तो ये एक फैक्ट जो सामने आया है कि अगर सांसद ही बीजेपी के नहीं होंगे तो सरकार मोदी की कैसे बनेगी। और भी कुछ लोग हैं, बात करते हैं, आप कुछ कह रहे थे बताइए। हाँ, मेरा नाम दिवाकर कुमार सिंह है, मैं HEC का न्यू एम्प्लॉई हूँ। मोदी जी बोले हैं कि HEC बंद हो जाएगा, अभी हम लोग नया नया नौकरी लगा, अभी तुरंत बंद हो जाए तो कैसे हम लोग रहेंगे? नहीं, मोदी जी ने ऐसा नहीं कहा कि HEC बंद हो जाएगा, स्मार्ट सिटी का नींव रख दी ना यहाँ पे, तो वो बनेगा तो बंद होगा ही ना। क्या ये गलत फहमी क्यों है कि अगर स्मार्ट सिटी बनेगी तो आप लोगों का HEC जो है वो बंद हो जाएगा, आप लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा? चार बार यहाँ पर आए मोदी जी, एक बार भी HEC के बारे में नहीं बोले। धीरे धीरे झारखंड सरकार बिल्डिंग ले रहा है, जमीन ले रहा है, उसके बाद HEC को बंद कर देगा, बोल देगा कुछ है ही नहीं, इसको बंद करिए, स्मार्ट सिटी बन जाएगा, 10 साल में प्लांट बंद हो जाएगा। नहीं चाहते आपकी स्मार्ट सिटी बने? नहीं, स्मार्ट सिटी नहीं बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। तो क्या स्मार्ट सिटी पे अगर रोक लगेगा तो आपकी HEC बचेगी? चांस तो लग रहा है। ठीक है, तो लोग स्मार्ट सिटी का विरोध, यहाँ के लोग स्मार्ट सिटी का विरोध सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है कि अगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट शुरू होता है तो फिर HEC में काम बंद होगा, और जब HEC में काम बंद होगा तो यहाँ के कामगार कहाँ जाएंगे? आप बता रहे थे सर, कुछ बताइए कि ऐसे लोगों का ना कि HEC अगर प्रोजेक्ट शुरू होता है स्मार्ट सिटी का तो फिर HEC बंद हो जाएगा, ऐसा क्यों? HEC तो बंद हो ही गया मैडम, HEC है कहाँ है अब? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। चार गो प्लांट उसका बंद है, एगो प्लांट चलता है, ये तो मोदी जी है कि चल रहा है वो, न तो वो बंद होगा। लेकिन आरोप तो है कि मोदी जी एक मिनट, चार बार मोदी जी आए, एक बार भी नाम नहीं लिया। किसका? भगवान है कि नाम लेंगे, वो तो जिसका नाम लेना है जनता का नाम लेवे करते हैं। उनसे पूछिए जो कौन प्लांट, आपको बताते हैं, HMBP चल रहा है, HMTP चल रहा है, FAP चल रहा है, सब बिहार में चल रहा है, और सब चल रहा है। क्या परसेंट? सब नहीं, रेड में क्या परसेंट चल रहा है ये तो बताइए। एक मिनट, अभी जो है, अभी नॉमिनेट जा रहा है वोटर पर, कौन बना के दे रहा है? अभी भाई के बोला है जो यहाँ पर जाके अथी छोड़ा है, क्या नाम है, श्री बेगा, किससे बनाया हुआ है? वो ईश्वर बनाए पंडित नेहरू, उनका नाम होना चाहिए कि हम लोग छोड़ दिया उसने। ठीक है, HEC को ऑर्डर भारत सरकार दिलवा रही है, सुबोध कांत सहाय ऑर्डर नहीं दिलवा रहे हैं, 15 साल सुबोध कांत सहाय रहे, उस बीच में HEC का कोई पुनरोद्धार जीर्णोद्धार नहीं हुआ। आज प्रधानमंत्री मोदी बने हैं, आगे भविष्य में होगा, और पूरे युवा वर्ग मोदी जी के साथ है। और जहाँ तक बात रही क्षेत्रीय जन सुविधा की, तो हम लोग जो भी जनप्रतिनिधि कहते हैं कि क्षेत्र में जन सुविधा को यहाँ से दूर किया जाएगा, जैसे बस स्टैंड, टेम्पो स्टैंड, हम लोग इसका खुलकर विरोध करते हैं। कभी भी हमारे माननीय सांसद रामटल चौधरी ने, और ना ही हमारे माननीय विधायक राम कुमार पहाड़ जी ने कहा है कि हमारा बस स्टैंड हटा दिया जाए, टेम्पो स्टैंड हटा दिया जाए, सिटी बस स्टैंड हटा दिया जाए। उन्होंने इसका समर्थन किया है, जो भी छोटे मोटे जनप्रतिनिधि है वो इसका विरोध कर रहे हैं राजनीतिक लाभ के लिए। ठीक है, राजनीतिक लाभ के लिए लोग चाहते हैं कि यहाँ से बस स्टैंड हटाया जाए। आप भी कुछ कह रहे थे, बताइए, कुछ कह रहे थे, बहुत देर से आप कहने की कोशिश। बस हम चाहते हैं कि मोदी सरकार आए, देश का तरक्की कर रहा है मोदी सरकार, बस इससे ज्यादा। तो आप बीजेपी सांसद नहीं लाएंगे तो मोदी सरकार कैसे आएगी? बीजेपी सांसद तो हम कह ही रहे हैं कि बीजेपी चाहे जिसको भी खड़ा करे, अच्छा कहीं देखते हैं चेहरा कोई भी हो, बीजेपी 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 चेहरा कोई भी है। 300+ में हम लोग आ रहे हैं। हाँ, क्या एकदम सही बात है, अपना 300+ अपना मिल जाए हम लोग साथ। ठीक है, तो पब्लिक ये चाहती है कि भले ही कोई भी हो, यहाँ का स्थानीय जनप्रतिनिधि कोई भी हो, पर सरकार तो मोदी की आनी चाहिए। कुछ लोग और हैं जो यहाँ के लोकल इश्यूज के लिए हम बात करते हैं। आप बताइए, इस इलाके में कितने दिनों से रह रहे हैं? अभी करीब 3 महीने हुआ। 3 महीने हुआ, आप कितने दिन? हम 35 साल हो गए। 35 साल हो गए इधर, आप जो आज देख रहे हैं ये 35 साल से ऐसा ही है? नहीं, ऐसा ही नहीं था, बहुत पहले तरक्की में था, लेकिन अभी इधर हुआ है। लेकिन मैडम, जो मोदी सरकार की है कि हमको हिंदू राष्ट्र चाहिए पूरा, आज तक कोई नेता नहीं बोला कि हमको हिंदू राष्ट्र चाहिए।
यही है वो है तरक्की में कि बोले कि हमको मोहंडम वोट से कोई मतलब नहीं है, हमको हिंदू राज चाहिए। आज तक कोई नेता नहीं बोला। ठीक है ठीक है। हाँ क्या बोल रहे हैं आप? आए इधर आइए। देश लूटा है, खजाना लूटा है, इंसान के जिंदगी को लूटा है और संगठन बना के फिर कहता है ढोलक बजाना कि ठीक है ठीक है। देश लूटा, संगठन लूटा, और ये अगर अगर यहाँ ये तो हुआ नेशनल इश्यूज। सबकी बातें सुन रहे हैं हम, सबकी बातें हैं, अपने अपने इश्यूज हैं। लोग चाहते हैं मोदी सरकार आए, कुछ लोग हैं जो राहुल गांधी को भी पसंद करते हैं। आप ये बताइए यहाँ के जो लोकल इश्यूज हैं उनके बारे में क्या चाहते हैं सरकार से? लोकल इश्यू मैडम, हमने तो पहले ही आपको बताया कि विकास हो विनाश नहीं हो। ना हम मोदी जी को कह रहे हैं ना हम नेहरू जी को कह रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री देश के ऐसे हैं जो विकास करें लेकिन विनाश नहीं करें। झूठ मैं नहीं बोले, 15 लाख खाते में डाल रहा हूँ। 72 लाख की बात तो अभी भी आई है राहुल गांधी की तरफ से। हाँ नहीं नहीं हल्ला नहीं करें, आप सुने। अरे मैं जवाब दे रहा हूँ, अरे जवाब दे रहा हूँ, भाजपा वालों जवाब दे रहा हूँ, सुनो। 72 हजार की बात कहे हैं राहुल गांधी जी, यदि नहीं देते हैं तभी झूठे होंगे। इनको मैं झूठा बोलूंगा, मैं उनके पास। एक मिनट सबको मौका मिलेगा। एक मिनट में बात यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस की नहीं है। राहुल गांधी दूध के धुले हुए नहीं है, घोषणा करने में वो भी आगे है। लेकिन एक मिनट, ठीक है तो हम भी चोर, अभी चोर, तो फिर बोलने की क्या बात है? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एक मिनट आप बोलिए, आप अपनी बात आराम से बोलिए। मैं बोल रहा हूँ, सुनिए। सर इनको भी बोलने दीजिए। जनता, जो जनता आज की है वो चाहती है कि तुरंत हमको रिजल्ट मिले। हमने 5 साल राज किया तो हमारे अंदर 10 छेद निकाले जा रहे हैं, लेकिन पहले अपने गिरेबा में जाकर देखो। आज वो दंश झेल रहा है आदमी कश्मीर का कि पर 7 करोड़ रुपया वहां पर गलता है। किसका गलता है? हमारा, आपका, सबका टैक्स दिया हुआ। ये किसका देन है? ये नेहरू का देन है। जो बात मैं कह रहा हूँ अगर निकाल कर इतिहास देख, यानी कि आप चाहते हैं कि मोदी सरकार बरकरार है। 100% मैम, अगर देश है तो हम है वरना नहीं है। ठीक है, तो देश है तो हम है, ये है यहाँ का नारा। यहाँ की पब्लिक चाहती है कि देश पहले है उसके बाद कोई मुद्दे है। अगर लोकल इश्यूज की बात करें तो लोकल इश्यूज में सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर यहाँ का बस स्टैंड है, जो काफी लोग चाहते हैं कि बस स्टैंड से यहाँ के लोगों को काफी सुविधाएं मिलती है। लोग नहीं चाहते कि बस स्टैंड यहाँ से हटाया जाए, हालांकि कुछ लोग बस स्टैंड के विरोध में भी है। लेकिन एक बात ये है कि बस स्टैंड यहाँ के लोगों को सुविधा देती है, और साथ ही साथ दूसरा जो अहम मुद्दा है वो ये कि HEC कर्मियों को सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो धुरवा इलाके से आज मेरे साथ बोल जनता बोल में इतना ही। कल फिर किसी और इलाके में होगी मुलाकात। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 11।